हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता ईंटें मनके तथा अस्थियां करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 है। इस चैप्टर का पार्ट 1 इससे पहले दोस्तों हमने कर लिया। जिन भी विद्यार्थियों द्वारा पार्ट 1 को नहीं देखा गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के पहले तो चलिए दोस्तों आज के इस पहले टॉपिक को करते हैं। पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। या दोस्तों इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से पता चलती है। तो दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा और पुरातत्वविदों द्वारा जिन तरीकों का प्रयोग करके हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमारे तक प्रदान की गई हैं, उन स्रोतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आवास है ना, उनके आवासों के माध्यम से हमें पता चलता है। मृद भांड दोस्तों, लाल मृद भांड और काले मृद भांड। मृद भांड का मतलब है बर्तन दोस्तों, आभूषण, औजार और मुहरें। दोस्तों मुहरें जो हैं, अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। ये जो मुहरें होती थी दोस्तों, वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी इन मोहरों पर दोस्तों बहुत से लिपि भी मिली है। और इसी यानी जो लिपि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे प्राचीन वस्तु अगर हम बात करें तो वह हैं हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें। इसके अलावा इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के भी वो स्रोत है जिसके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान खुदाई मिली है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जिस तरह के आभूषण हैं है ना, यहाँ से आप देख दो काले और लाल मृद भांड देख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसे मोहरे देख सकते हैं। ये वो मनके हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले हैं। और यही वो साक्ष्य हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक रूप में दोस्तों अगर हमारी 21st सेंचुरी की अगर हम विलुप्त हो गए तो हमारी अगर खोज की जाएगी तो आज के जो आधुनिक साधन हैं लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर, उसी आधार पर हमें हमारी सभ्यता के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और वो तरीका जिसके माध्यम से दोस्तों पता करा जाता है कि सभ्यता कितनी पुरानी है उसे एक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से ही हम प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वो कितने साल पुरानी है। तो उसे दोस्तों कार्बनीकरण तकनीक के माध्यम से कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग करके प्राचीन इतिहासकारों के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता लगाया जाता है, उनके साल के बारे में पता लगाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बन डेटिंग तकनीक है ना, इसे आप कार्बनीकरण कहते हैं। उसके माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन है, ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा आपको। दोस्तों इसी बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भौगोलिक रूप से दोस्तों ये जो सभ्यता थी ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब से लेकर सिंध बलूचिस्तान तक। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये सभ्यता फैली हुई थी। इनमें दोस्तों जो सुतगोर है वो बलूचिस्तान से पूर्व में है, आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में मांडू जम्मू कश्मीर तक। अगर हम इसे एक मैप में देखें तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता देखते हैं दोस्तों जो फैली हुई थी है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएँ थी दोस्तों, कहाँ तक थी? वो मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तरी सीमा है। इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कहा जाता है। तो उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा शहर है दोस्तों? मांडा। अगर दक्षिण की बात करें दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा कहलाती थी। पूरब में देखें पूर्वी सीमा जो कहलाती थी दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। और पश्चिमी सीमा जो बलूचिस्तान है ना सुतगेंडोर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली हुई थी। क्लियर होगा दोस्तों? यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों एक लाइक और इस वीडियो जरूर शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल नया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं भारत में? हड़प्पा सभ्यता कौन कौन से स्थल हैं दोस्तों? यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों कालीबंगा,
राजस्थान, इसे काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काली चूड़ियों का शहर। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोटड़ा, ये जो वो शहर है कहाँ से पाया गया है दोस्तों? गुजरात में है। बनावली और राखीगढ़ी, ये कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। और रोपड़ पंजाब में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो कौन कौन से? पाकिस्तान में हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो सिंधु में सिंधु नदी के तट पर है। यानी पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे प्राचीन नगर हैं वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नाम से मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में 2014 में खुदाई के दौरान भारत के उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगर वो इसकी पुष्टि हो जाती है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सबसे प्राचीन स्थल माना जा सकता है। बशर्ते दोस्तों अभी उस पर खुदाई का काम और उसकी जानकारी काम अभी आगे चल रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से भारत के जो राज्य हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न पूछे थे, मैप में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो गुजरात में कौन कौन से दो शहर हड़प्पा सभ्यता के, तो आप देख लीजिए दोस्तों, धोलावीरा, ठीक है, और लोथल। लोथल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था हड़प्पा सभ्यता, जिसे व्यापारी नगर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक नगर था दोस्तों वो क्या था? लोथल। इसके अलावा धोलावीरा भी दोस्तों व्यापारी नगर था, यानी अधिकतर व्यापार कहाँ से होते थे? लोथल और धोलावीरा से ही होते थे, जो अब वर्तमान में कहाँ पर? हमारे भारत में, यानी गुजरात में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों हरियाणा से, तो हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी, कौन कौन से दो शहर पड़ते हैं? राखीगढ़ी और बनावली। तो दो ऐसे जगह हैं दोस्तों हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध है, वो है राखीगढ़ी और बनावली। बनावली वही स्थान है दोस्तों जहाँ से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। यहाँ दोस्तों अगर हम गंगा नदी की बात करें तो भारत में सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती है वो कौन सी थी पहले? सरस्वती नदी। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई दोस्तों, वर्तमान में गंगा नदी को ही सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से दोस्तों कालीबंगा, ये आप देख रहे दोस्तों राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। और कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है दोस्तों? काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान में एक और शहर है जिसे हम कहते हैं खेतड़ी की खान, और यहीं से ही खेतड़ी खान से तांबा का व्यापार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण शहरों की, तो उसमें आप कोट दीजी भी देख सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण शहर हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता के, जहां हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिंधु नदी के तट के आसपास देखें, यहाँ पर यह रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधा, यह क्या? हड़प्पा। तो ये दोनों जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लेकिन पहले दोस्तों आज़ाद भारत में, जब भारत आज़ाद नहीं होते या भारत के दो बंटवारे टुकड़े नहीं हुए थे, अब बंटवारे नहीं हुए थे हमारा, तो उस समय ये हमारा हिस्सा था। यानी ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया ना दोस्तों कौन कौन से शहर जो है वर्तमान में भारत में हड़प्पा सभ्यता के हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन से हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। और ये दोस्तों जो वीडियो है ये पूरी तरह से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2022 के मद्देनजर देखते हुए हमने ये सिलेबस को तैयार किया है, जो भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 2022 में, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन कौन से हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार भोजन किया करते थे या क्या करते थे। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों इतिहासकारों ने खुदाई में मिले अवशेषों तथा पूरा वस्तुओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीकों को पता लगाया। यानी जो इतिहासकार है दोस्तों, जो पुरातात्विक हैं, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान जो उन्हें अवशेष मिले हैं, जो उनको आधार मिला है, जो वस्तुएं मिले पूरा प्राचीन वस्तुएं, उन्हीं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीकों का पता लगाया है। अब वो लोग को किस आधार पर निर्वाह करते थे, क्या ऐसी चीज़ करते थे जिसे अपने जीवन बसर कर सकते थे, यानी लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, मछली उनका मुख्य आहार हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों क्या थे, एक स्थान पर तो रहते नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, तो इसलिए मछली उनका मुख्य व्यवसाय था। और इसलिए अधिकतर जो सभ्यताएं थी दोस्तों वो नदी के किनारे ही बसा करती थी। यानी नदी के किनारे बसने का तरीका उनका ये था होता था कि दोस्तों मान ली ये नदी है,
अब नदी में मछली पकड़कर भोजन प्राप्त कर सकते थे, और कोई जानवर नदी में से पानी पीने के लिए आता था तो उनका शिकार कर कर भी वो भोजन किया करते थे। तो इसलिए अधिकांश जो सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही आसपास से विकसित हुई, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे आपका मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे मिस्र सभ्यता की बात करें। दुनिया में अधिकांश सभ्यताएं में एक कॉमन चीज़ क्या है कि सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। राइट, क्लियर हो गया। तो ये पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन प्राप्त करते थे, उनके कौन से अनाज खाते थे, वो गेहूं और दाल, सफ़ेद चना, ये उनके अनाज में शामिल थे। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरा के दाने कहाँ से मिले? बाजरा का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, जो बीज मिला है, गुजरात के स्थलों से मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, इनमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर शामिल थे। ये सभी जानवर पालतू थे। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से पालतू जानवर थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और कुत्ता। कुत्ता हड़प्पा सभ्यता के दौरान सबसे पहला पालतू जानवर था। ठीक है दोस्तों, बैल के और सॉरी गाय के साक्ष्य नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता। किसका नहीं मिला है? गाय का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। क्लियर जा जाता है। तो कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि सभी लोग ये जानवर हड़प्पा सभ्यता के निवासी पाला करते थे और उसे अपना जीवन बसर किया करते थे। क्लियर, चलिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता चित्र में आपको भली भांति समझ आएगा कि नदी किनारे विकसित सभ्यता थी, नदियों से व्यापार होता था और व्यापार करने से वो दोस्तों जो धन इकट्ठा होते थे इससे क्या मदद करती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे और इन्हीं नदियों से दोस्तों इन खेतों में पानी आराम से मिल जाता था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। व्यापारी लोग भी सामान बेचा करते थे। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैल के साक्ष्य हैं, ठीक, गाय के साक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार लोग थे, बिल्कुल सही तरह के स्पष्ट दिखा रखा है। राइट, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा तथा अति महत्वपूर्ण शहर था। यद्यपि इसकी खोज हड़प्पा नगर के बाद हुई थी तो भी ये शहर अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही विख्यात है। दोस्तों जिस प्रकार से अगर हम आधुनिक शहर की बात करें, राज्यों की बात करें, तो दिल्ली जो है देश की राजधानी है और अधिकांश चीज़ें जो दोस्तों जो हैं दिल्ली से ही होती हैं। राजनीतिक चीज़ें भी होती हैं, अगर ऐतिहासिक चीज़ों की बात करें वो भी दिल्ली में। तो ठीक इसी प्रकार से आप हड़प्पा सभ्यता को भी मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा शहर था, एक ऐसा राज था जो बहुत ही विख्यात था, जो बहुत ही अनूठी तकनीक से बसाया गया था, वो थी मोहनजोदड़ो। और इसकी विशेषताओं के कारण ये जो शहर था दोस्तों बहुत ही विख्यात था, बहुत ही प्रसिद्ध था। अब इसमें कौन कौन इसकी की क्या क्या विशेषता है उसकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे दो भागों में बांटा गया था, इनमें से एक भाग छोटा था जिसे ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि दूसरा भाग बड़ा था और उसे नीचे बनाया गया था। पुरातात्विक इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया करते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को ना बहुत नियोजित तरीके से बताया, जैसे आधुनिक शहर की आज हम बात करें दोस्तों, तो आज के आधुनिक शहर भी मोहनजोदड़ो जैसे सही प्रकार से नियोजित नहीं है जैसे मोहनजोदड़ो नियोजित था। अगर आधुनिक शहर की बात करें जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये वो शहर है दोस्तों बहुत सही तरीके से बसाए गए, चंडीगढ़ की अगर बात कर सकते हैं, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो बसाया गया था और इसकी बहुत विशेषताएं थी। अब मोहनजोदड़ो दोस्तों दो भागों में बांटा गया था, एक को दुर्ग कहा जाता था, एक को निचला शहर कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो, अब ये आप कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जो ऊंचाई पर बसाए गए थे, ये दुर्ग वाले हो सकते हैं और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये निचले शहर थे। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा था, तो मोहनजोदड़ो को एक दुर्ग और निचले शहर में बांटा गया था। दुर्ग जो दोस्तों छोटा था लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली माना गया, निचला शहर जो इससे ज़्यादा बड़ा था, यानी दुर्ग से बड़ा था। अब इसमें अंतर क्या है वो हम पता कर लेते हैं कि दुर्ग और निचले शहर में क्या क्या अंतर है। तो चलिए दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। दुर्ग की ऊंचाई का कारण, यानी दुर्ग जो था वो छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर बसाया गया था, और ऊंचाई का कारण क्या था कि यहाँ की संरचनाएं जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। अब कच्ची ईंटों के चबूतरे का मतलब ये था दोस्तों, एक बार हम मैप में आपको दिखा दें कि किस आधार पर बनाया गया था। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा दोस्तों ये जो है चबूतरा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब चबूतरे हैं और चबूतरे के ऊपर ये जो है घर बनाए गए हैं, तो इन्हें दुर्ग कहा गया।
तो ये चबूतरे कच्ची ईंटों के थे और इन्हीं के ऊपर जाकर घर बनाया गया था, तो ये दुर्ग की विशेषता थी। क्लियर हो गया दोस्तों, ये दिख रहा है आपको पूरी तरीके से, ये चबूतरे हैं और चबूतरे के ऊपर ये घर बनाए गए हैं, ये दुर्ग की विशेषता है पूरी तरीके से, ठीक है। और इधर का इलाका जो है वो निचला शहर था। चलिए, तो अब दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जो इसे निचले शहर से अलग करती है। दुर्ग दोस्तों जो पूरी तरीके से दीवारों से घेरा गया था जो उसे निचले शहर से अलग करती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दुर्ग है और दुर्ग में आपको ये दीवारें दिख रही हैं, देखो ये दीवारें हैं जो साक्ष्य मिले हैं, ये दीवारें जो हैं ये दुर्ग को चारों तरफ से घेरती थी जो इसे निचले शहर से अलग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्रिटिश शासनकाल की बात करें तो हमारे यहाँ पर ना ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन बसाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए ब्लैक टाउन तैयार किया था और अंग्रेजों के लिए व्हाइट टाउन अपने लिए तैयार, जो ब्लैक टाउन था उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, जो अंग्रेज जहाँ पर अंग्रेज रहते थे उसे व्हाइट टाउन कहा जाता था, वहाँ हर प्रकार की सुविधाएँ थी, ठीक। ऐसे आप कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में भी ऐसा ही था, ठीक है, जो इसे हम दुर्ग और निचला शहर के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों, अब निचले शहर की अगर हम बात करें तो निचला शहर दोस्तों आकार में था ये दुर्ग से बड़ा था और ये सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, यानी दुर्ग में अमीर वर्ग, अभिजात वर्ग, राजा रहा करते थे, जबकि निचला शहर दुर्ग से तो बड़ा था लेकिन ये आम लोगों के लिए बनाया गया था। आम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ये सामान्य लोग लिए था, यहाँ पर कृषि कर्मकार मजदूर है ना, इस तरह के लोग रहा करते थे और इन्हें दुर्ग में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के टोकन का प्रयोग करना पड़ता था, एक प्रकार के विशेष प्रकार के पास का प्रयोग करना होता था। दोस्तों आई होप ये टॉपिक पूरी तरीके से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया तो दोस्तों जरूर एक लाइक करते हैं, इसे शेयर करते हैं और हमारे चैनल पर अगर दिया आपने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी उस विशेषता की बात करते हैं, नियोजित जल निकास प्रणाली। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के नियोजित जल निकास प्रणाली की क्या क्या विशेषताएँ थी, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना का अभिन्न अंग है। यदि यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी इतनी सुसज्जित तरीके से बनाया गया था दोस्तों कि बरसात का पानी भी सड़कों पर जमा नहीं होता था। और अभी हम आधुनिक शहरों की बात करें तो आपको पता है कि आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी से भर जाता है, नाले नालियों से भर जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी दोस्तों कि वहाँ बरसात का पानी रोडों पर इकट्ठा ही नहीं होता था, इस तरह से वहाँ की जल निकास प्रणाली थी। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य। कोई भी शहर दोस्तों अगर पानी से डबाडब भरा रहेगा तो मान लेते हैं कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ की नाली व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता काफ़ी साफ सुथरी रहा करती थी। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास को गली नालियों से जोड़ा गया था, यानी ऐसा कोई सा घर नहीं था जो नालियों से जुड़ा ना हो। घरों का गंदा पानी नालियों के सहारे निकल जाया करता था। क्लियर, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो नगर जल निकास प्रणाली थी, यानी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुआं बनाया गया है, तो घरों का गंदा पानी नालियों से होते हुए इस कुएं तक आ रहा और इसी कुएं में इकट्ठा करो बाहर चला जाता था। तो यह ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, इससे भौम जल स्तर भी लगातार बना रहता था, इतनी अच्छी तकनीक थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नालियाँ गई हैं और नालियाँ जो है इसी कुएं में आकर प्रवेश मिलती थी जिससे घर का पानी इकट्ठा इसमें होता था और ये भौम जल स्तर को भी बनाए रखता था। तो इतनी विकसित सभ्यता थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, आप इसकी जो है जल निकास प्रणाली से देख सकते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके साथ आवासों का निर्माण किया गया था। तो पहले दोस्तों जो नालियां थी उनके साथ गलियों को सटाकर बनाया गया था और फिर उनके साथ आवासों का निर्माण किया गया था। घर की कम से कम एक दीवार दोस्तों गली से सटाकर बनाई जाती थी। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से आसानी से जोड़ा जाता था। जो घर का गंदा पानी होता था, अगर यहाँ पे आप मैं एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ चित्र में, कि जिस आधार पर जो देख लेते हैं ये जो घरों की दीवारें हैं, इन दीवारों के साथ जो है ना नालियाँ जुड़ी होती थी जिससे घरों का गंदा पानी इसी नालियों के सहारे बाहर निकल जाया करता था। क्लियर, ठीक, इसी तरह घरों को बसाया जाता था। अब इसके अलावा दोस्तों नाले जो हैं गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे या जिप्सम का प्रयोग करके नाले बनाए गए थे जिससे नाले टूटते नहीं थे। थोड़े अगर आज के देखें तो आज की जो नाले बनाई जाती हैं दोस्तों थोड़ा सा
उसमें अगर आप मारो तो वो टूट जाते हैं, उससे पानी सड़कों पर आ जाता है। इसके अलावा एक इतिहासकार हैं कर्नल मैंकी के अनुसार, वो कहते हैं कि यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन प्रणाली थी। यानी इससे जो इतिहासकार हैं मैके, वो कहते हैं कि इससे अच्छी और इससे सुसज्जित इतनी सही तरीके से बनाई गई जल निकास प्रणाली उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले नहीं देखी थी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। अब बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी विशेषता इनमें से एक है, माल गोदाम। अगर हम माल गोदाम की बात करें, से माल गोदाम को दोस्तों क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। तो एक विशाल संरचना है, परंतु आज इसके केवल निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं। हालांकि पूरा हिस्सा अब नहीं रह गया है, केवल थोड़ा हिस्सा ही बचा हुआ है, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए हैं। यहाँ से जो निचला हिस्सा है दोस्तों, वो क्या है, हो सकता है उसे लकड़ी से बनाया गया था, ये हम अनुमान लगाते हैं। क्योंकि अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था, और ये जो गोदाम जो सबसे हड़प्पा सभ्यता में ऐसे दोस्तों ऐसे कई 6 से 7 गोदाम मिले हैं, है ना। और यह 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी होती थी, इतना बड़ा माल गोदाम। तो हो सकता है दोस्तों इतने बड़े माल गोदाम का प्रयोग भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए रखा गया होगा। हो सकता है अगर पैदावार अच्छी ना हो, फसल ख़राब हो जाए, तो इस आधार पर इसका प्रयोग किया जाता होगा। जैसे आजकल दोस्तों बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं जहाँ पर वो बफर स्टॉक को रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर फसल चौपट हो जाए, अगर कुछ घटना घटित हो जाए, तो यहाँ से आम जनता को अनाज पहुँचाया जा सके। ठीक ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता हुआ करता होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़े और है, वह है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, तो 11.8 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर जो है गहरा था। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ जलाशय के तल तक जाने के लिए इसकी ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया, यानी भरा गया था पानी। इनके एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहा जाता था। यानी विशाल स्नानागार मिला है कहाँ पर दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब ये विशाल स्नानागार आपको दिख रहा है दोस्तों, चित्र में देख सकते हैं आप कि इतने बड़े विशाल स्नानागार का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा। इसकी जानकारी हम ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता लोग इतने बड़े विशाल स्नानागार का प्रयोग सामूहिक स्नान के लिए क्या करते होंगे। जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें दोस्तों, तो हर बड़े कार्य के लिए, पूजन पाठन के लिए क्या सबसे पहले क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। चाहे आप कुंभ में स्नान की बात करें, छठ में स्नान की बात करें, तो ये परंपरा रही है। तो ये अनुमान लगाया जाता, हो सकता है हड़प्पा सभ्यता लोग इस स्नानागार का प्रयोग किस लिए क्या करते होंगे? सामूहिक स्नान के लिए क्या करते होंगे, पूजा पाठ के लिए क्या करते होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों जो स्नानागार के आसपास जो चबूतरे बने हैं, ये जो है साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर लोग क्या करते होंगे, यहाँ से नहाने के बाद यहाँ पर चेंजिंग रूम हुआ करता था और यहाँ पर लोग कपड़े बदलते थे। आप देख सकते हैं इस यहाँ पर सीढ़ियाँ, यानी स्नानागार के अंदर तक जाने के लिए यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में क्या बनाई गई थी दोस्तों? सीढ़ियाँ बनाई गई, ताकि लोग उत्तर स्नानागार में उतर कर नहा सके और बाहर आ सके, जैसे आज के आधुनिक स्विमिंग पूल हुआ करते हैं। तो इस अगर आप अगर देखेंगे इसके अलावा, तो जैसे दोस्तों हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से लोग सामूहिक स्नान करते हैं। सीढ़ियाँ होती हैं, लोग बेड़ियाँ लगी होती है, बेड़ियाँ पकड़ कर स्नान करते हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इतने बड़े सामूहिक स्नानागार का प्रयोग क्या करते होंगे? नहाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, परंतु इस वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई और इस टॉपिक पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। बस बसरते आपको क्या करना है, ध्यान से और पूरा मन लगाकर 20 से 30 मिनट इस वीडियो को दे देना है दोस्तों। गारंटी से आपको कभी दूसरी वीडियो इस टॉपिक पर देखनी नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली बहुत ही विकसित थी। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाए गए थे। नगरों की गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थीं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण प्रकारती थी।
लोग पकी ईंटों से बने मकान में रहते थे। जो सड़कें थी दोस्तों वो क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, इस प्रकार समकोण पर काटा करती, यानी आपको कहीं पर जाना है तो आप यहाँ से अगर चल रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते थे, चाहे यहाँ से चल रहे चाहे यहाँ से चल रहे हैं, आप अपने मंजिल पर पहुँच सकते थे, यानी ये सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कें नालियाँ गलियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई गई थी। लोग पकी ईंटों से बने मकान में रहते थे, यानी पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्ग पर थे, दुर्ग का हमने चर्चा कर ली पहले दोस्तों, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर या निचले शहर पर रहा करते थे। मकानों में खिड़कियाँ तथा दरवाजों की व्यवस्था भी थी, हर घर में एक आंगन होता था, एक स्नान गृह, रसोई तथा छत पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कुछ मकान 2 या 3 मंजिलों के भी होते थे, लोग विशाल भवन भी बनाते थे। तो दोस्तों ये थी हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना प्रणाली, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, यानी आज तक ऐसी प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी नगर योजना प्रणाली कहीं नहीं देखने को मिली है। क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों ईंटों की विशेषता की बात कर लेते हैं, जिस ईंटों से हड़प्पा सभ्यता को बसाया गया था। तो नियोजन के अन्य लक्षणों में दोस्तों ईंटें भी शामिल हैं, इन्हें धूप में सुखाकर बनाया जाता था अथवा भट्टी में पकाकर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हमें ईंटें मिली हैं, या तो उन्हें धूप में सुखाकर बनाया जाता होगा या भट्टी में सुखाकर पकाकर बनाया जाता था। यह दोस्तों जो ईंटें हुआ करते ना, यह आकार में ना एक निश्चित अनुपात की होती थी, यानी एक आकार की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है दोस्तों ऊंचाई की क्रम से 4 गुना होती थी तथा 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो यानी हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों ईंटों का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण तरीके से किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई ईंटें छोटी या बड़ी थी, समान आकार की ईंटें थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित और कितने नियोजन तरीके से बसाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों आप हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो खुदाई में ईंटें मिली हैं उसके साक्ष्य देख सकते हैं कि किस तरीके की ईंटें हड़प्पा सभ्यता में समान आकार की है ना, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई सब बराबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो शब्द के प्रमाण की जरूरत नहीं, तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी इतनी सुसज्जित तरीके से बनाई गई थी, एक माप के आधार पर बनाई गई थी। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों विशेषताएँ हैं, या आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को संदर्भित करती हैं कि इतनी अच्छी तरीके से हड़प्पा सभ्यता को बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमारे तरफ से उसे उसका उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।